रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे, उनके साथ डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये जिस 2DG दवा के बारे में हम सब बात कर रहे हैं, नीरज पूरी जानकारी दे रहे थे, ये उस दवा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अभी तक आप उस सैशे की इमेज देखते रहे जो इंटरनेट पर और टेलीविजन चैनलों पर दिखाई जा रही है, लेकिन ये वो दवा है जो इस वक्त राजनाथ सिंह के हाथ में है और यही दवा उन तमाम मरीजों को दी जाएगी। और वो जिस ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं, ये दवा उस कमी को काफ़ी हद तक कम करेगी, ऐसा DRDO का दावा है। और बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में 2 वैक्सीन के बाद ये तीसरा अहम हथियार डॉक्टरों के पास होगा, जो बहुत अहम हो जाएगा किसी भी मरीज की जान बचाने के लिए। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार हमने देखा क्या स्थिति हुई देश में, ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर कई मरीजों की जान गई और लगातार कोशिश हुई कि ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाया जाए। लेकिन ये दवा देने के बाद, जिसे बिल्कुल बेहद साधारण तरीके से दिया जाएगा, उसके सैशे को फाड़कर पानी में घोलकर पिलाना है मरीज को, वो डॉक्टर जिस तरह से प्रिस्क्राइब करेंगे उस तरीके से पिलाया जाएगा। और उसके बाद ये दवा मरीज के शरीर में जाकर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उस लेवल को मेंटेन करेगी। ये दवा DRDO की तरफ से कहा गया है और ये भी कहा गया है कि ये दवा बहुत कारगर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं और साथ में इस वक्त उनके हाथ में एक पैकेट है जो वो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को सौंप रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम है क्योंकि इस दवा का इंतजार हो रहा था। जब से DRDO ने दवा बनाई, क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट सामने आई, लगातार उम्मीद हो रही थी कि जल्द से जल्द ये दवा अस्पतालों तक पहुंचे ताकि मरीजों को एक ऐसा हथियार मिल सके जिसके जरिए उनकी जान सुरक्षित हो सके। और अब इस दवा को रिलीज कर दिया गया है और बहुत जल्द ये दवा DRDO के अस्पतालों में, और जिस तरह से नीरज हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जैसे ही प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से डिमांड आएगी, उनको भी ये दवा सप्लाई की जाएगी, उनके लिए भी ये बहुत अहम हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, मंच पर विराजमान DRDO के चेयरमैन श्री सतीश रेड्डी जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी अत्यंत वरिष्ठ DRDO के, स्वास्थ्य मंत्रालय के, भारत सरकार के अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, वैज्ञानिक, डॉक्टर और डॉक्टर रेड्डीज लैब के चेयरमैन, हमारी दूसरी साइंस लेबोरेटरी के जो डायरेक्टर्स वर्चुअली जुड़े हैं वो सब लोग, और मीडिया के मित्रों, मई के महीने में शायद आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज़्यादा सुखद अनुभूति का दिन है, क्योंकि कोविड की जंग तो 1 साल से ज़्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस 1 साल से ज़्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा DRDO के सहयोग से, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे उनकी संख्या, जो नए केसेज आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज़्यादा केसेज लगातार आते रहे,
लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज़्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरी लगभग 3,79,000 के करीब हुई है। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में ये शायद आज का दिन सबसे ज़्यादा सुखद दिन है और मुझे पूरा विश्वास है जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर चांदना से, डॉक्टर अनंत भट्ट से, इन मास को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं, CCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबॉरेटरी उसको भी बधाई देना चाहते हैं, डॉक्टर रेडीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं, हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल DG डॉक्टर सोमानी को भी बधाई देना चाहता हूं, और इसके साथ साथ जितने भी देश में इस 1 साल में जो फेज 1 से शुरू होकर और फेज 2-3 तक ट्रायल्स हुए, इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग ABP News आपको रखे आगे।